चना जो हम लोग चाट में खाते हैं, इंग्लिश में ग्राम्स करते हैं, ये फिर हम लोग का चिक्पी, नीचे 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 चिक्पी हो गया, चिक्पी वो काबली चना, और फिर ये हम लोग का पी हो गया जो मतलब सूखने के बाद बन जाता है ना, वो हो गया। फिर ये ब्रेड और पानी है जो पाव रोटी होता है। फिर ये आलू है, पोटैटो। फिर ये केला है, बनाना। तो अब हम लोग आयोडाइन सॉल्यूशन मतलब पोटेशियम सॉल्यूशन प्लस आयोडीन को मिला रहे, तो पोटेशियम पर मैग्नेट को आयोडीन को, तो ये हम लोग का आयोडीन सॉल्यूशन ज्यादा नहीं, 4 से 5 ड्रॉप डालेंगे। अगर इसका रंग ब्लू हुआ, ब्लू या ब्लैक होने का मतलब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट चेक करें। नेक्स्ट वीडियो होगा पोटेशियम चेक करने का, तो कार्बोहाइड्रेट चेक करेंगे, तो इसमें अगर ब्लू या ब्लैक होगा तो कार्बोहाइड्रेट है, अगर नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो मैं ढल गया आयोडीन सॉल्यूशन, इसमें थोड़ा सा 2-3 बूंद डाला, इसमें 2-3 बूंद डाला। अब ये करता है बस साइड। अब लेते ब्रेड और इसको और इसमें मैं थोड़ा सा डालता हूँ, तो ये ब्लैक हो गया, इसमें काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। ये डाला, इसमें डाला, तो बस 2 मिनट इंतजार करना है। तो हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, पहले कौन सा किए थे, सबसे पहले हम लोग, अच्छा इसमें कम डाला इसलिए नहीं अच्छा है देखा, ठीक है ये हो गया, पूरा डाल दिए। अब थोड़ा सा एकदम हल्का हल्का सब में पानी डाल, ज्यादा भी थोड़ा थोड़ा, इतना पानी डाला, कोई कलर चेंज ही नहीं हुआ है, हल्का सा हुआ है ब्लूनेस क्योंकि इसमें हल्का सा कार्बोहाइड्रेट हम लोग को एनर्जी देता है, ठीक है। तो लगभग लगभग हर खाना में ही होता है, पर कम ज्यादा इससे पता चलता है। तो इसमें थोड़ा पानी डालता हूँ, इसमें भी तो इसमें एकदम हल्का सा ब्लैकनेस आया है, एकदम हल्का सा, ठीक है। अब ये वाला तो हो गया, पहले मैं आयोडीन को बंद करके रख देता हूँ, गिर गया तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसे ये है इंडिकेटर ही एक टाइप का। तो इसको बंद किया, तो ये रहा ब्रेड, ब्रेड में देखिए पहले से पानी मिला हुआ था इसलिए मिलाने का जरूरत नहीं है, पर मिला के दिखा देता, ये ब्लैक है पूरा, तो पानी डाला, तो ये ब्लैक है, तो इसमें पानी डालता थोड़ा सा एकदम, ठीक है। तो इसमें कलर पानी का पूरा ब्लैक हो चुका है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, इसका पानी का रंग ब्लैक नहीं हुआ है, इसका पानी का रंग ब्लैक नहीं हुआ है, पर उसी का पानी का रंग ब्लैक हुआ। फिर ये है आलू, आलू में भी बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें भी थोड़ा पानी मिला के देखते, तो अगर आलू ब्रेड में देखे तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है ब्रेड में, तो देखिए तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी ब्रेड में होता है। अच्छा ये वाला मटर का, ये मटर है, तो देखो इसमें थोड़ा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, ज्यादा नहीं है, हल्का सा है,
ब्रेड सबसे ज्यादा है, उससे कम आलू है और केला उससे कम है। केला में भी पानी डाल देता हूँ। केला उससे कम तो सबसे ज्यादा होता है ब्रेड, फिर आलू, फिर केला, फिर बी, फिर होता है ग्राम्स और फिर होता है काबुली चना चिक्की। तो चिक्की में सबसे कम कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो यही था वीडियो खत्म।